अहम खबर आप तक पहुंचाएं। लाहौर में एमएम आलम रोड पर शॉपिंग मॉल में आग लग गई है। इमदादी टीमें रवाना हो गई हैं। आग प्लाजे की बालाई मंजिल पर लगने की वजह से शहरी और अमला अंदर फंस गया है। शहरियों ने और अमले की जानिब से रस्सी के जरिए उतरने की कोशिश की गई। रस्सी एक शहरी के हाथ से छूट भी गई। मनासिर हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। आग प्लाजे की बालाई मंजिल पर लगी। रस्सी के जरिए उतरते हुए एक शहरी के हाथ से रस्सी छूट गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब की नॉलेज में है कि पाकिस्तान की बिल्डिंग्स में, चाहे वो कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद या पाकिस्तान के किसी भी शहर में कमर्शियल या रहायशी बिल्डिंग्स हो, आग लगने के वाकयात हो रहे हैं और इसके नतीजे में लोग अपनी जानों से हाथों बैठ रहे हैं। कहीं पर लोग छलांगे लगा रहे हैं और कहीं पर आतिशजदगी वाकयात में अजल का शिकार हो रहे हैं। आखिर इनकी वजूहत क्या हैं और हम किस तरह इन वाकयात को कंट्रोल कर सकते हैं, इस सब के लिए हमें नॉलेज और स्किल्स लेना होगी। दोस्तों, NFPA का लाइफ सेफ्टी कोड 101 पाकिस्तान में पहली बार इसकी ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की है। पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग शुरू करने से पहले अमेरिका जाकर मैंने NFPA के साथ 5 ट्रेनिंग कोर्सेज लिए। NFPA ने मुझे अमेरिका में ट्रेन किया है फायर प्रोटेक्शन पे, लाइफ सेफ्टी पे और बिल्डिंग सेफ्टी पे। उसकी तफसीर कुछ इस तरह से है कि अगस्त 2017 में NFPA के साथ रॉड्स आइलैंड में NFPA 13, NFPA 25 और NFPA 101 लाइफ सेफ्टी कोड पे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कोर्स। सेकंड कोर्स मैंने एटलांटा में सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर लेवल 1 का लिया NFPA के साथ, 4 डेज का। फिर मैंने सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट किया डेनवर में CFPS के साथ। फिर मैंने NFPA के साथ रिसेंटली अप्रैल में 1081 जो कि इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग का स्टैंडर्ड का कोर्स है, इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग का स्टैंडर्ड है NFPA 1081, वो मैंने खुद जाके किया टेक्सास में टीक्स ब्रिटन फायर ट्रेनिंग फील्ड। और NFPA 70E विच इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड कोर्स, वो मैंने NFPA के साथ वर्जीनिया में लिया। दोस्तों, ये नॉलेज और स्किल्स मैं पाकिस्तान ट्रांसफर कर रहा हूँ और आप सब के लिए बहुत भरपूर मौका है कि बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आप इन तमाम स्किल्स को यहाँ बैठे हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो बिल्डिंग्स के वाकयात, बिल्डिंग में आतिशजदगी के वाकयात हो रहे हैं जिसमें हमारे दोस्त मासूम लोग अजल का शिकार हो रहे हैं, हमें इसकी रोकथाम के लिए, इस पर कंट्रोल के लिए NFPA लाइफ सेफ्टी कोड 101 से बेहतर कोई कोड नहीं। और मैंने इस सिलसिले में एक 4 क्रेडिट आवर्स का एक मुख्तसर ओरिएंटेशन प्रोग्राम तरतीब, ट्रेनिंग प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसका 5th बैच, 4 बैच में पहले इसको डिलीवर कर चुका हूँ। इसका 5th बैच इंशाल्लाह इस जुमेरात को, यानी अक्टूबर की 11 तारीख को इंशाल्लाह सेफ कॉन के गुलशन इकबाल कराची के कैंपस में इंशाल्लाह शाम 4 बजे मैं इसको डिलीवर करूँगा। और जिसकी कॉस्ट जस्ट 6,000 रुपीज़ है, जस्ट 6,000 रुपीज़ में आप ये जान सकते हैं कि हम एक बिल्डिंग में किस तरह एमरजेंसी की सूरत में इंसानी जानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एमरजेंसी एग्जिट्स का स्टैंडर्ड क्या है, कितने निकालने चाहिए, कितने चौड़ाई पे, कितनी लंबाई पे, ऑक्यूपेंसी लोड फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ऑक्यूपेंसी लोड कैलकुलेट होने के बाद जो कि बिल्डिंग क्लासिफिकेशन की बेसिस पर है, उसके बाद आप लोग किस तरह इमरजेंसी एग्जिट को, इमरजेंसी एग्जिट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी विड्थ की, उसकी उसकी हाइट की, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी लोग अपनी जानों को बचाते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल सकें। इमरजेंसी की सूरत में, फायर इमरजेंसी की सूरत में लोगों का बिहेवियर क्या होता है और आप कैसे उनको ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें ड्रिल्स भी शामिल हैं। दोस्तों, इट्स अ वंडरफुल कोर्स, मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा, दिस इज हाईली रेकमेंडेड टू ज्वाइन दिस कोर्स। बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट है, ऑलमोस्ट हमारी पॉकेट मनी के इक्वलेंट कॉस्ट है जो कि हम हमारी स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी होती है, जस्ट 6,000 रुपीज़ में। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि NFPA लाइफ सेफ्टी कोड 101 की बुक भी आपको मिलेगी जिसकी मार्केट कॉस्ट ही 3,000 से 4,000 के दरमियान है। तो आप इसी ट्रेनिंग की कॉस्ट में, आप इस ट्रेनिंग में
लाइफ सेफ्टी एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, लेकिन आपको सीधा सीधा नुकात आपको मालूम हो जाएंगे कि आप किस तरह से बेसिक बुनियादी तौर पे चीज़ों को समझ के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बुक भी मिलेगी जिसको आप पढ़ते हुए और आप अपनी प्रैक्टिकल जॉब में इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि सेफ्टी प्रोफेशनल्स, फायर प्रोटेक्शन प्रोफेशनल्स, फायर ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स, एचएससी मैनेजर्स, एचएससी ऑफिसर्स, इन सबको ये कोर्स ज़रूर लेना चाहिए, जो इनकी स्किल्स और नॉलेज में इंशाल्लाह भरपूर इजाफा साबित होगा और ये कोर्स आपके कैरियर में एसेट साबित होगा। तो जानते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।